वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत वाली। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करना। बोली आज मैं इस तरह का ओवल शेप में वाली बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने धागा ये लिया है, रेशम वाले धागा को यूज़ किया हमने। जंप हुक एंड जंप रिंग वायर चाहिए हमें, निडिल क्रोशिया हुक हमारा 1.3 mm का लिया हमने। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के लिए ये देखिए, ये अपने फिंगर के ऊपर हमने धागे को इस तरह से घुमाना है और इस और पीछे के धागे को हमें इस तरह से आगे ले लेना। अब हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद हमें इस रिंग के अंदर 24 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें 24। टोटल हमें 24 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रिंग में कंप्लीट करना है। मैं 24 सिंगल क्रोशिया यानी 24 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। ये हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे धागे को इसको खींचना है। खींचने के बाद फर्स्ट चेन में इसके हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हमें अपना सेकंड रो बनाना है। सेकंड रो बनाने के लिए हमें 1 2 3 तीन चेन जो बनाएगी ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया, और दो चेन और बनाना है हमें। टोटल हमारा 5 चेन हो गया। 5 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फिर से 2 चेन बनाना है। वन चेन को सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। 2 हो गया। फिर से 2 चेन, फर्स्ट चेन को छोड़ना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन फर्स्ट चेन को छोड़ देना है। नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 5 हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब हमें 2 चेन बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को हमें छोड़ना है। देखिए ये वाला नेक्स्ट चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन बनाना है और फिर से सेम ही स्पेस में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा कॉर्नर बन रहा है। फिर से हमें 2 चेन और फर्स्ट चेन को छोड़ना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया, 2 चेन, फर्स्ट चेन छोड़ देना, नेक्स्ट चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया, 2 चेन, फर्स्ट चेन को छोड़ना, नेक्स्ट चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 चेन, फर्स्ट चेन को छोड़ देना, नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद एक चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से सेम स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसके फर्स्ट चेन में हमें 1 2 3 चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए इस तरह से ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से यहाँ पे तीन चेन बनाना है। ये हमारा थर्ड रो है। 3 चेन बनाने के बाद ये 2 चेन का जो गैप है इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 2 डबल क्रोशिया और ये एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से 2 चेन का जो गैप है उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2
अंदर में बनाना है, एक डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हमें इस यहाँ तक हमें 1 2 3 4 5 5 जब डबल क्रोशिया बनाया है उसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने यहाँ तक बनाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं कि हम अपने यहाँ पर वी जो बनाया है उसके वहाँ पर आ गए। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब हमें डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया जो 2 चेन है उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर। देखिए इस तरह से बनाते हुए हमको मैं यहाँ तक आने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ जो वी है इसके अंदर कॉर्नर बनेगा और कॉर्नर के लिए हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, कॉर्नर के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं, डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हमें इस चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 1 2 3 थर्ड चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए हमारा थर्ड रो जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ रो जिसके लिए हमने 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेने के बाद 2 चेन को हमें छोड़ देना है और थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, 2 चेन को स्किप करना है, तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चेन, 2 चेन को स्किप करना है, तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, 1 2 3 चेन, 2 चेन स्किप करना है, थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 1 2, थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाना है। इस वी के अंदर 1 2 चेन छोड़ना है, इस वी के अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इस वी में हमें 1 और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 चेन, 3 चेन, 1 2 3 चेन, 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3, 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाना है और इसके कॉर्नर में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 सेमी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन, 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। देखिए ये हमारा फिफ्थ रो स्टार्ट होने वाला है। अब हमें 3 चेन का जो गैप दिया है उसके अंदर हमें 5 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4
पांच हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, और ये जो डबल क्रोशिया जो है इसके अंदर हमें एक स्लिप स्टिच डालनी है। फिर से नेक्स्ट गैप में हमें फाइव हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन चार पांच, पांच हाफ डबल क्रोशिया, और ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमें इस यहाँ तक बनाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। अब हमने जो ये वी बनाया है इसके अंदर हमने तीन हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन सेम स्पेस में फिर से तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन हाफ डबल क्रोशिया, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक स्लिप स्टिच। नेक्स्ट गैप में हमें जैसे पांच फाइव डबल क्रोशिया बना हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे उसी तरह से बनेगा, एक दो तीन चार पांच हाफ डबल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से हमें इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैं यहाँ तक करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फिर से कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में भी हमें तीन डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से सेम स्पेस में हमें तीन हाफ डबल क्रोशिया बनानी, वन टू थ्री, थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाना है। और इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट रो के अंदर हमें फिर से हाफ फाइव हाफ डबल क्रोशिया बनानी, एक दो तीन चार पांच हाफ डबल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच डबल क्रोशिया के ऊपर, और इसकी नेक्स्ट चेन के ऊपर भी हमें इसी तरह से फाइव हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। पांच हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके फर्स्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना, एक चेन बनाना है और धागे को अपने अपने यहाँ पे कट कर लेना। ये देखिए हमारा ओवल शेप कंप्लीट हो गया। अब हमने अपना जंप रिंग इसके अंदर ऐड कर देना। एक चेन का जो गैप दिया था उसके अंदर हमें इस जंप रिंग को लगा देना है, और ये हुक को भी इसके साथ टक कर देना। ये हमारी ईयरिंग बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।